वो पहाड़ों के ऊपर मनोकामना मंदिर, तो ये नीचे की साइड है। ये टिकट है भाई। तो यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई मैं हूँ वही फिलहाल नेपाल के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर मनोकामना मंदिर में। तो भाई काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और कहा जाता है यहाँ पे सच्चे मन से जो भी आता है उसकी विश पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। नाम ही मनोकामना मंदिर है, तो काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो हम अभी फ़िलहाल वहीं पे खड़े हैं, मंदिर के नीचे की साइड है। तो यहाँ नीचे हमें टिकट लेनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर वहाँ ऊपर है। तो केबल कार से जाएंगे हम। वो देखो केबल कार चल रही है ना, तो वहाँ से हम वो पहाड़ों के ऊपर है मनोकामना मंदिर, तो ये नीचे की साइड है। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं फिर ऊपर मनोकामना मंदिर में। तो आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा जो जो होगी। तो अभी फ़िलहाल केवल कार की टिकट लेते हैं पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत है यार ये जगह, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अब हमें मिलेगी टिकट, टिकट लेते हैं केवल कार की। तो ये टिकट है भाई नेपालियों के लिए 700 रुपये है ना, और चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नेपाली बच्चों के लिए 420 है, स्टूडेंट के लिए 925, और सीनियर सिटीजन और जो भी इंडियंस के लिए 880 है भाई, और फॉरेन के लिए तो और ही महंगी है जो जो है डॉलरों में। ये ले ली हमने टिकट 700 की दो, क्योंकि नेपाली बोल के, और मेरे साथ में मेरे जीजा जी। चलते हैं ऊपर, टिकट दिखा दी हमने, अब जा रहे हैं हम ऊपर की साइड केवल कार के लिए। तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं मनोकामना मंदिर, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये प्लेस, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे प्राचीन, तो दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ की। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर घुसे, और डेकोरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन है भाई यहाँ की। तो यहाँ अंदर जाना है हमें। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है केवल कार के लिए, अपना नंबर कब आएगा पता नहीं, और अपन सबसे पीछे हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। काफ़ी लाइन लगी हुई है यार यहाँ पे केवल कार के लिए, 5-10 मिनट में अपना नंबर आ ही जाएगा। A few minutes later. Finally पहुँचने वाले हम केवल कार के पास, धक्का मुक्की मारते मारते 5-10 मिनट में पहुँच ही गए, और कुछ टाइम बाद अपना नंबर आ जाएगा। तब फाइनली नंबर आ चुका अपना, जिसके बाद साइड अपना होगा अपना नंबर। सो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, और अब ये रोप वे का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर का है, मतलब 3 किलोमीटर लंबी रोप वे है ये, और ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर देगी, मतलब 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और गाइस मंदिर की ऊंचाई है ये नीचे नदी से लेके ऊपर पहाड़ों के टॉप पर 42.5 फीट, यानी 42.5 फीट ऊपर पहाड़ों पर मंदिर स्थित है। और केवल कार में बैठ के पूरा एंजॉय करते जाओ यार, ये देखो पीछे की साइड कितनी छोटी दिख रही है। तो फिलहाल अभी हम चितवन में थे, और उसके बाद अब हम ऊपर गोरखा में जाएंगे। गोरखा मंदिर तो ऊपर गोरखा वहाँ पहुँचेंगे। पहुंचने वाले हैं मनोकामना, हो रहा ये अपना स्टॉप होगा, नेक्स्ट स्टॉप।
लास्ट पे मंदिर ही रहा। चलो की बात आप मंदिर पहुंच गए। ये बकरे बकरे हैं बलि चढ़ाने के लिए, जिसको लेने हो वो यहाँ से ले लेते हैं बकरे मुर्गे। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की साइड और यहाँ फूल फूल प्रसाद के लिए और फ्रेम व्रेम फोटो शोटो। तो हम सीधे चलते हैं मंदिर। तो मंदिर जाते जाते मार्केट के भी नज़ारे लेते जाओ। मस्त मार्केट है, खाने पीने का होटल वोटल सब है। तो ये फाइनली हम पहुंच गए मंदिर, यही है मनोकामना मंदिर और काफी ज्यादा भीड़ है। तो चलिए गाइस मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ और माता के दर्शन करवाता हूँ और जो भी मंदिर की बातें हैं मैं आपको सारी बताऊंगा और जो भी ऐतिहासिक चीजें यहाँ मंदिर में सब दिखाता हूँ। चलिए पीछे से लगती हुई आ रही है अंदर पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर, अंदर पूजा करने के लिए। सो गाइस मैं थोड़ा सा आपको मंदिर के बारे में बता देता हूँ। ये मंदिर गोरखा में स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवी स्थान माना जाता है ये गोरखा का, क्योंकि यहाँ पर सारी मन की कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए इसका नाम मनोकामना पड़ा गया है। और यहाँ दशहरा के दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अष्टमी के दिन यहाँ पर बलि चढ़ाने की परम्परा है और मनोकामना मंदिर में काफ़ी ऐतिहासिक घंटे हैं, जिसे कहा जाता है घंटों को बजाने से मन की कामना सच में ही पूरी होती है। और ये सामने जो आप ये जगह देख रहे हो ये पूजा करने की जगह है, यहाँ अंदर जाके पूजा की जाती है। और ये पीछे की साइड है और ये लाइन अंदर पूजा करने के लिए है, तो वो बलि की जगह है, वहाँ पर बलि दी जाती है। और ये मंदिर के पीछे की साइड से हम काफ़ी अच्छे नज़ारे ले सकते हैं, व्यू पॉइंट है। तो आपको मैं बलि की जगह दिखा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर भी हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बलि की जगह और यहाँ से आपको पता लगेगा देखो हम कितनी ऊंचाई में हैं। ये देखो तो इस साइड है वो बलि की जगह और ये लाइन जो आप देख रहे हो ये पूजा करने के लिए अंदर, और इस साइड यहाँ बलि चढ़ाते हैं। मनोकामना मंदिर पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे है और यहाँ से देखो बादल भी बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और यहाँ मनोकामना मंदिर में यह माना जाता है अगर आप कोई अपने मन में मनोकामना रखकर कबूतर को उड़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंदिर के आगे पंडित जी बैठे हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, टीका लगाने के लिए। तो यहाँ मंदिर के सामने धूपबत्ती जोत जलाई जाती है। मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए गए थे पर वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं अंदर मंदिर में, तो वहाँ पर नहीं बना पाए उसकी वीडियो। बाहर आके पूजा वूजा कर ली, टीका वीका लगा लिया, तो अब थोड़ा घूमते हैं।
गाइस पूजा कर लिए मंदिर से, अब हम जा रहे हैं घर की साइड अपने। ये संतला और ये देखो पहाड़ी संतले पूरे खेती बाड़ी के सारे यहीं के हैं। नीचे इन्होंने खेती कर रखी है चीज़ों की, वही है ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मस्त एकदम। तो अब हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ, हमने टू वे की करवा रखी थी आने जाने की। और ये मंदिर के बाहर देखो यार कितने प्यारे प्यारे सामान मिल रहे हैं, सारा वुडन है यार, सब लकड़ों का बना हुआ है, ये इतना प्यारा है। मसालदानी मसाला रखने के लिए ना, कुछ भी रख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मार्केट है, तो चलो अब चलते हैं फटाफट नीचे। सो गाइस पहुंच गए केवल कार के पास। ओ ये देखो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बंदे वीडियो शीडियो बना रहे हैं अपने टिकटॉकर सारे। काफ़ी सही है यार, तो अब चलते हैं केवल कार की साइड अपने। वो पहुंच गए केवल कार के पास। तो ये चल के आने का रास्ता ये रहा। डर लग रहा है, किस किस को लग रहा है? इसको तो भाई इनको ये पॉइंट में डर लग रहा है, ये जो पॉइंट नहीं आ रही है ऐसे ऐसे, इसमें गाड़ी एकदम हिल जाती है ना, उड़न खटोला बटर पड़ा। बस आ गया, दिख रहा है कहाँ बाड़ी बस। तो भाई ये थारू बोल रहे हैं, थारू भाषा है ना, ये थारू भाषा बोलते हैं। आने चले गए सारे, आने चले गए सारे। वो नीचे देखो यार नीला पानी एकदम नीला, नहाने का मन कर रहा है, चलेगा? चले चलते वो सारे चले तो गए। गाड़ी रुकवाओ यही से सब मारते। पहुंच गए अब हम उड़न खटोले स्टैंड पे। ये रहा अरे हमारी बाइक, और बाइक हमारी वो रही दिख रही है, देखो वहाँ है बाइक हमारी। तो अब ये नीचे की साइड आ गए अब हम। तो यही था भाई मनोकामना जो मैंने आपको दिखाया। तो भाई यही था मनोकामना का ब्लॉग, और कैसी लगी वीडियो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी मैं फ़िलहाल चितवन में हूँ, तो चितवन के ब्लॉग्स आने वाले हैं, और भी हम जगह जाने वाले कहीं। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ख़तरनाक ब्लॉग आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय। ये जगह देखो यार कितनी खतरनाक, मतलब क्या बोलूँ यार, ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, जो भी समझ लो, मतलब ऐसी है जगह। काफ़ी मज़ा आया।